एवरीवन, वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, हिना खान ने इंटरव्यू दिया है और सिद्धार्थ को लेकर बात की है। क्या कुछ कहा है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें, इंटरव्यू चाहे किसी का हो, लाइव चाहे किसी की हो, बात चाहे किसी की हो रही हो, लेकिन सरनाज को लेकर सवाल ना पूछा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सरनाज पर बात ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो इस बार कैसे हो सकता था? इस बार भी बिल्कुल नहीं हो सकता था। जी हाँ, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, सिद्धार्थ से रिलेटेड भी सवाल पूछा और काफ़ी ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग से अंदाज में पूछा। क्या कुछ कहा, वर्ड टू वर्ड आपको बताते हैं। जी हाँ, हिना खान से डायरेक्टली पूछा गया। लगभग 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है जो है, जिसमें सिद्धार्थ के बारे में कहा गया है। तो डायरेक्टली जो है हिना खान से पूछा गया कि सिद्धार्थ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो डायरेक्टली हिना स्माइल करते हुए कहती हैं, शुक्ला इज़ वेरी नाइस पर्सन, फन लविंग गाय, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। और मेरे साथ उसका यू नो बिग बॉस में भी अच्छा रहा है रिलेशनशिप, और बिग बॉस में भी हमारी अच्छी जमती थी क्योंकि वो भी काफ़ी फन लविंग है और मैं भी, तो हम काफ़ी सेम काइंड ऑफ पर्सन हो जाते हैं, तो हमारी काफ़ी जमती थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हंसाने वाला है या फिर मस्तियाँ करता है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। इसके बाद आगे वो कहती हैं कि अगर उसका दूसरा साइड देखें, इसके अपोजिट, तो बहुत केयरिंग भी है। केयरिंग तो खैर सिद्धार्थ शुक्ला हैं ही, ये तो हम सभी जानते हैं। और वो अपने फैंस तक के लिए अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट्स लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं। तो हिना ने बताया कि वो बहुत ही केयरिंग भी है। और रिसेंटली आपने देखा कि कुछ टाइम पहले हिना खान के फादर नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। सो उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर के साथ वो सब कुछ हुआ जो भी, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया जो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। एंड लिटरली चाहे एक सेकंड के लिए, पर मेरे फेस पर हंसी आ गई। और यू नो बहुत ही अच्छा मैसेज था। और सिद्धार्थ शुक्ला सबकी केयर करते हैं, तो वो बात तो खैर है। और इसी वजह से जो है हम सेम काइंड ऑफ पर्सन हैं, इसी तरह की बात की है। तो आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की किस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ने सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट नहीं किया था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने किया था, वो भी कोई गलत बात नहीं है। जिसने किया था तो किया था, और नहीं किया था तो नहीं किया था। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्वीट तो नहीं किया था, बट मैसेज किया था। और जो है कहीं ना कहीं जो भी वो लोग टच में रहे, फ्रेंडशिप है बिग बॉस की जैसा भी है, बट उन्होंने उस फ्रेंडशिप का फर्ज जो है पूरा किया। क्योंकि जब अगला किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो एटलीस्ट एक मैसेज करना तो आपका बनता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला इस तरह के पर्सन हैं कि हर कोई जो उनसे मिलता है उनकी तारीफ करता है, चाहे उनकी कोई भी को एक्टर और को एक्ट्रेस और को एक्टर कोई भी हो, सभी तारीफ करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।